सेहत यानी स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि मुसीबत बताकर नहीं आती और एक जरा सी गलती एक्सीडेंट का कारण कब बन जाए कोई नहीं जानता। लेकिन चोट कभी भी ये पूछकर नहीं लगती कि गलती किसकी थी, और यही वो समय होता है जब ठीक समय पर अस्पताल पहुंच भी जाएं तो जिंदगी और मौत के बीच पैसे का सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जिसे आपने हल कर लिया तो ठीक, नहीं तो जिंदगी टाटा बाय बाय कहकर आपके हाथों से निकल जाती है या आपको हमेशा के लिए दे जाती है एक अपाहिज पल। इसी समस्या के निदान के लिए स्वास्थ्य बीमा चलन में आया। इसे सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कंपनियों से हासिल किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस की तरह स्वास्थ्य बीमा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जीवन के साथ है और दूसरा जीवन के बाद। हेल्थ पॉलिसी बेचने वालों के लिए कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है। दरअसल अधिकतर मामलों में उन्हें ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है। लेकिन स्वर्गीय लक्ष्मी प्रिया पटनायक और श्री गोविंद चंद्र पटनायक के तीसरे बेटे त्रिलोक पटनायक ने जब हेल्थ इंश्योरेंस के करियर में अपना पहला कदम रखा तो इसकी कमी का उन्हें एहसास हुआ, और तब उन्होंने इस दिशा में एक अनूठा काम किया। आज जमाना फास्ट फॉरवर्ड का है, इसीलिए तेजी से हेल्थ पॉलिसी बेचने की 21 तथ्यों को शगुन के तौर पर शामिल करते हुए उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जो अब से पहले किसी ने नहीं लिखी। ये पहली किताब है जो गाइड की तरह न सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है, बल्कि आपको अपने व्यवसाय और करियर में सही मायनों में आगे बढ़ना भी सिखाती है। तथ्यों, कंपनी और उत्पाद को समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपने करियर में सफल नहीं हो सकता। सभी स्वास्थ्य बीमा सलाहकारों के लिए ये किताब किसी वरदान से कम नहीं है, और अपनी तरक्की के लिए उन्हें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये वो किताब है जो हर बार पढ़ने पर कुछ नया सिखाती है, इसलिए चाहे इस करियर में कोई पहली बार कदम रख रहा हो या कई सालों से काम कर रहा हो, उन्हें ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। किताब में बताया गया है कि स्वास्थ्य बीमा क्यों महत्वपूर्ण है। 1947 के दौर में भारत में मनुष्य की औसत उम्र 32 साल थी, और अब मेडिकल साइंस की मेहरबानी से 72 साल की उम्र आदमी जीने लगा है। इन सुविधाओं की कीमत भी बेतहाशा बढ़ी है, और केवल दवा या अस्पताल का खर्चा ही नहीं, डॉक्टरी सलाह लेने के लिए भी आपको मोटी रकम का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा हो तो कैसे आप एक बढ़िया तरीके से इलाज करा सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी घेर लेती है तो भी आप बढ़िया डॉक्टर की सेवाएं हासिल कर सकते हैं। इंसान एक एक पैसा जोड़ता है अपने घर बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने और उनकी शादी करने के साथ साथ जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। लेकिन एक दुर्घटना ही आपकी सारी बचत पर डाका डाल सकती है। स्वास्थ्य बीमा वो दीवार है जिससे आप ऐसी स्थिति में भी सुरक्षित रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बचत होती ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो स्वास्थ्य बीमा किसी वरदान से कम नहीं है। किताब में उन्होंने एक एक बिंदु को समझाया है कि कैसे हमेशा सुरक्षित रहने और अपने परिवार को भी स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बढ़िया रहेगा। सामाजिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल न हो, और अस्पताल के इलाज से पहले और बाद वाले खर्च का एक जवाब है स्वास्थ्य बीमा। एम्बुलेंस से लेकर चेकअप और टीकों के साथ साथ अन्य खर्चों से निपटने के अलावा स्वास्थ्य बीमा कैसे आपको टैक्स लाभ भी पहुंचा सकता है, इन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बढ़ती उम्र में होने वाले फायदों को भी इसमें समाहित किया गया है। शरीर के अंगों और उनमें होने वाली बीमारियों और उनके कारणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप का सुझाव है, जिससे रोग की पहचान हो सके और इलाज शुरू हो सके। इसके बाद गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।
हेल्थ इंश्योरेंस की भाषा और शब्दों के बारे में ऐसी जानकारी शायद ही कहीं और उपलब्ध हो। ये जानकारी कैसे उपयोगी साबित होगी, इसका अंदाजा तो किताब को पढ़ने के बाद ही आपको हो सकता है। अपने उत्पाद को जानने के साथ ही ग्राहक को कैसे उत्पाद की जानकारी दी जाए और कौन सा प्लान है उसके लिए सबसे फिट, कैसे आप लोगों को लीड करके भविष्य में उन्हें स्वास्थ्य बीमा बेच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। हेल्थ पॉलिसी बेचने के लिए प्रोफेशनल तकनीकों को बारीकी से समझाने के साथ ही आपके लेटर हेड पर क्या छपा हुआ होना चाहिए और दो मुलाकात ही क्यों जरूरी है, ये भी क्रम से सीखने को मिलता है। पॉलिसी बेचने के लिए ग्राहक को फोन करते समय आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए, उसकी वजह क्या होनी चाहिए, समय सीमा क्या होनी चाहिए और सवाल कैसे हों, फॉर्मूला 111 क्या है, टेलीकॉलिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ग्राहक से मिलना और उसके ना को हाँ में बदलना, कैसे आप खुद का विकास करें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और इसके बाद मूल्यांकन के लिए किताब में वैज्ञानिक तरीके उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर कैसे बीमा ग्राहक के काम आए और उसे पैसा आसानी से मिले, उसमें एजेंट की क्या भूमिका हो और उसे क्या करना चाहिए, ये सब कोई भी आसानी से समझ सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद। बड़ी रकम के बीमे की सुविधाएं और बड़े अस्पतालों की जानकारी के अलावा प्लान के नाम और उनसे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी सटीक और विश्वसनीय है, जो पॉलिसी खरीदने वाले के दिमाग पर गहरा असर डालती है। किताब में बताया गया है कि अच्छे एजेंट में क्या गुण होने चाहिए, एजेंसी निवेश क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा एजेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, साथ ही पॉलिसी बेचने के बाद उस ग्राहक के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए और उस रिश्ते को आप आगे कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस मूल मंत्र की जानकारी ही इस किताब की सफलता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस किताब को पढ़कर आप स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एक नई बुलंदियों को छू सकते हैं, तो आप ये किताब Amazon से खरीद सकते हैं।